सहारनपुर से खबर आ रही है, जहां चंद्रशेखर आजाद रावण पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, सहारनपुर के देवबंद में यह हमला हुआ है, फायरिंग हुई है उनके उन पर और बाल बाल आजाद इसमें बचे हैं। अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी थी। भीम आर्मी की आरोपियों की को गिरफ्तार करने की मांग है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण कौन है, भीम सेना आर्मी के ये प्रमुख हैं और इन पर हमला किया गया, बाल बाल बचे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जिन पर यह हमला किया गया, भीम आर्मी के प्रमुख हैं। और विशेष संवाददाता आलोक राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, चूंकि इनके खिलाफ तो पहले भी हमले की कोशिशें की गई होंगी और मुखर रहते हैं काफी बातचीत में, कौन व्यक्ति था जिन्होंने इन पर हमला किया है, कुछ जानकारी मिली? देखिए, बिल्कुल, भीम आर्मी के मुखिया हैं चंद्रशेखर रावण और लगातार जो कहीं ना कहीं बयान देते रहते हैं, मुखर रहते हैं और इसी वजह से इनके बयानों को लेकर कई बार विवाद की स्थितियां भी बनी हैं। बहरहाल, जो ताजा जानकारी सामने आ रही है, सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर से, कि वहां इनके ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया, हालांकि उसमें ये बच गए हैं, इनको किसी तरह कोई जो है हानि या चोट नहीं लगी है। बहरहाल, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जरूर तनावपूर्ण होगी और जाहिर सी बात है भीम आर्मी जो समर्थक हैं वो लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी हमले के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ जो है एक दबाव बनाने की कोशिश होगी। अब देखने वाली बात होगी कि आगे भीम आर्मी इस पर क्या जो है प्लान करती है, किस तरह की योजना बनाती है, लेकिन बहरहाल एक बड़ी घटना थी जिसमें एक अंजाम दिया गया, इनको मारने की कोशिश की गई, जिस तरह से उसमें इनको जो चंद्रशेखर रावण है वो बच गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भीम आर्मी लगातार जो है इस तरह के जो इसके मुखिया हैं वो लगातार बयान देते रहते हैं। अभी आरक्षण को लेकर भी तमाम इन्होंने बयान दिए थे, इसको लेकर विवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।